तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन इंजीनियर डिज़ाइन का में सबसे मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट ही से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन कंपटीशन में भी इसी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेजर जो चैप टॉपिक है या कह सकते हैं यूनिट है या लेक्चर्स है वो है आपका सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। तो आज हम लोग डीप फाउंडेशन में पहला जो जो पाइल फाउंडेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और वो उसके बारे में देखेंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजी क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो पाइल फाउंडेशन बेसिकली हम लोग तब प्रोवाइड करते हैं जब ये भी डीप फाउंडेशन होता है। डीप फाउंडेशन का टाइप है पाइल फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में एक तो पाइल फाउंडेशन आता है, दूसरा होता है ओपन ओपन वेल फाउंडेशन आता है या विल फाउंडेशन, तो उसमें केसन का वो टॉपिक आता है। तो डी फाउंडेशन हम लोग तब प्रिफर करते हैं जब जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो बहुत हैवी है एज कम्पेयर टू इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, और जो बियरिंग रजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, जो अपोज कर सकता है सोयल एक्सटर्नल लोड को, अगर उसकी बियरिंग कैपेसिटी अगर वीक है तो उस केस में हम लोग डी फाउंडेशन प्रिफर करते हैं। तो उसी डीप फाउंडेशन से लोग पाइल फाउंडेशन प्रीफर करेंगे। तो पाइल फाउंडेशन इसका मतलब समझ में आ गया कि पाइल फाउंडेशन हम लोग कब यूज करेंगे। दूसरा है डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात। तो पाइल फाउंडेशन में भी डेफिनेशन डीप फाउंडेशन वाली ही होगी कि अगर किसी फाउंडेशन के केस में डेप्थ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विड्थ तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका पाइल फाउंडेशन। यानी डीएफ की वैल्यू ग्रेटर देन होगा कितना, बी, तो उस केस में हम लोग पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। ये स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग था। अगर कंपेयर हम लोग वन से कर रहे हैं डीएफ अपॉन बी रेशियो इज ग्रेटर देन वन, देन फाउंडेशन इज नोन एज डीप फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू टारजागी थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन थ्योरी। इफ डीएफ अपॉन बी इज ग्रेटर रेशियो ग्रेटर देन 2.5 देन फाउंडेशन इज नोन एज डीप फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन थ्योरी। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, एडवांटेज की बात हो गई, एप्लीकेशन की बात हो गई। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन, यानी जो हम लोग पाइल फाउंडेशन जब भी हम लोग बनाते हैं तो जो मार्केट में जितने पाइल्स हम लोग यूज करते हैं वो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये टाइप्स बहुत सारे एक्टिविटी के बेसिस पे है, बहुत सारे मटेरियल के बेसिस पे है, बहुत सारे फिनोमिना के बेसिस पे होगा, तो कोई ना कोई प्रोसेस के बेसिस पे होगा। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पाइल ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ दियर एक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम लोग पाइलिंग का काम करेंगे, जब पाइलिंग हम लोग बना पाइल फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, तो उस केस में जो सराउंडिंग सोयल है उसके उसके साथ एक्शन क्या हो रहा है, उस एक्शन उस प्रोसेसिंग के बेस पे कितने टाइप्स के पाइल फाउंडेशन होते हैं। तो पहला पहला एक्शन के बेसिस पे पहला जो टाइप्स होता है उसको बोलते हैं एंड बियरिंग पाइल। तो एंड बियरिंग पाइल तब हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई ऊपर वाली दो स्टेटा टाइप की सोयल है या मल्टी लेयर सोयल है और ऊपर वाली लेयर थोड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्ट या लूज टाइप का सोयल है और नीचे वाली लेयर हार्ड स्टेटा का है, तो ऐसे प्लेस पे हम लोग एंड बियरिंग पाइल प्रिफर करते हैं। और एंड बियरिंग का जो बेस होगा वो हार्ड स्टेटा की जो डेंस सैंड या स्टिफ सोयल होगी उसके ऊपर हम लोग बनाते हैं। यानी एंड बियरिंग पाइल का जो डेप्थ है वो किससे डिसाइडेड होता है, तो ये डिसाइड होता है लेंथ या डेप्थ ऑफ हार्ड स्टेटा आर डेंस सैंड या डेंस सोयल आर स्टिफ सोयल, यानी कितने डेप्थ पे हार्ड स्टेटा स्टार्ट हो रहा है तो उस पर डिपेंड करता है। तो जितने नीचे हार्ड स्टेटा आएगा, जितने नीचे होगा उतने डेप्थ का हो जाएगा, उतनी लेंथ का पाइल फाउंडेशन हो जाएगा, एंड बियरिंग पाइल फाउंडेशन हो जाएगा। तो कंडीशन यह है कि ऊपर वाली सोयल सॉफ्ट या लूज होना चाहिए और जहाँ पे हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे एंड कर रहे हैं, जहाँ स्टॉप कर रहे हैं पाइल फाउंडेशन, वहाँ पे हार्ड स्टेटा होना चाहिए। अब चूंकि सॉफ्ट बीच वाली जो सॉयल है, जो सराउंडिंग सॉयल हो जा रही है वो तो सॉफ्ट है, तो एंड बियरिंग पाइल के केस में जो सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड ट्रांसफ़र होके आ रहा है,
जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है और वो ट्रांसफ़र हो रहा है सोयल के अंदर, तो अगर ये सेफली ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कोई ना कोई फेलियर क्रिएट करेगा। अब कोई फेलियर क्रिएट करेगा तो अगर टोटल जो एक्सटर्नल लोड या सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड लग रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको अपोज करने के लिए, उसको रजिस्ट करने के लिए जो अपोजिंग फोर्स या अपोजिंग एजेंट सामने आता है, वो केवल जो एंड पे एंड पे फोर्स क्रिएट होगा, जो एक्शन जनरेट होगा, रिएक्शन जनरेट होगा एंड पे पास, यहाँ पे एंड पे बेस पे, यहाँ पे जो रिएक्शन जनरेट होगा वही केवल अपोज करता है एंड बेयरिंग पाइल के केस में, एंड बेयरिंग पाइल के केस में। इसी को अब यहाँ पे जो रिएक्शन जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेस रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं टिप रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं टिप रेजिस्टेंस। तो ये सब एक ही नाम, यानी एंड बेयरिंग पाइल के केस में जो टोटल एक्सटर्नल लोड होगा, जिसको हम लोग फेलियर लोड या अल्टीमेट लोड बोल रहे हैं, या ऊपर से नीचे जो जो रोकेगा उसी को, वो केवल एक ही फोर्स रोकता है, उसे बोलते हैं एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस। तो अब ऊपर से जो स्ट्रक्चर लोड आ रहा है और उसको सेटिस्फाई कोई बैलेंस कर दे रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, इसका मतलब एंड जो न्यूट्रल करता है, जो रिएक्शन जनरेट करता है सोयल के अंदर से जनरेट होता है, उसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन इक्वल्स टू इन केस ऑफ एंड बेयरिंग पाइल वी कैन से इज इक्वल्स टू एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन इन केस ऑफ एंड बेयरिंग पाइल वी कैन से इज इक्वल्स टू एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस। तो इतना याद रखेंगे एंड बेयरिंग पाइल के केस में। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या मेंशन किया है, एंड बेयरिंग पाइल रेस्ट ओवर स्टिफ और हार्ड स्टेटा, ये हम लोग पढ़ लिए हैं कि ये हार्ड स्टेटा या स्टिफ सोयल के ऊपर ये सपोर्टेड होता है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू एंड बेयरिंग एक्शन, जिसे को हम बोलते हैं बेस रेजिस्टेंस। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे इस केस में कैसे जनरेट होता है, तो वह एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस के कारण जनरेट होता है। लेंथ ऑफ सच पाइल डिपेंड्स अपॉन पोजिशन ऑफ हार्ड और स्टिफ स्टेटा, उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यह डायग्राम, यह अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और यह एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन इज इक्वल्स टू एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस। तो यह एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस के इसमें याद रखेंगे। सेकेंड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन क्या है, फ्रिक्शन पाइल या हैंगिंग पाइल। तो फ्रिक्शन पाइल या हैंगिंग पाइल हम लोग सैलो फाउंडेशन और डिप फाउंडेशन दोनों में अगर कंपेयर करें, तो सैलो फाउंडेशन के केस में जो डिप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है वो क्या होता है, वो एज कंपेयर टू डिप फाउंडेशन वो लेस कम होता है। तो वहाँ पे जो सराउंडिंग सोयल है, इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन जो सराउंडिंग सोयल है वो कम डिप तक होता है, फिल होती है। तो जो वर्टिकल जो कॉन्टेक्ट प्लेन है बन रहा है उस पर ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं बन पाता है, इसलिए जो फ्रिक्शन है वो कम जनरेट होता है इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन। तो जो फ्रिक्शन है वो कम होता है। पहले हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे, तब चीज़ें वो रिलेट करके समझ में आएगा। फ्रिक्शन पाइल या हैंगिंग पाइल तो ये किस टाइप की पाइल है। तो अगर इस पाइल के लिए भी वही सेम कंडीशन है, जो सॉयल है वो सॉफ्ट या लूज होना चाहिए, लूज है अगर उस केस में, और हम लोग नीचे ये कंडीशन नहीं है कि स्टेटा जहाँ पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं पाइल फाउंडेशन बनाना, वहाँ पे हार्ड रॉक है, हार्ड सोयल है या स्टीफ है, डेंस है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सोयल अगर सॉफ्ट है या लूज है और उसी में हम लोग फाउंडेशन बनाए हैं, तो वह फ्रिक्शन पाइल के अंदर आएगा। अब फ्रिक्शन पाइल अगर बन जा रहा है तो इसमें एक टर्म कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन के पाइल के केस में जो टिप रेजिस्टेंस है, जो बेस पे रेजिस्टेंस है, वह नहीं के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है।
यानी जो भी एक्सटर्नल लोड सुपर स्ट्रक्चर से ट्रांसफ़र होके सॉयल के अंदर जाएगा उसको अपोज करने के लिए, या जो बेस पे रेजिस्टेंस जनरेट होगा, जो बेस पे रेजिस्टेंस जनरेट होगा वो कुछ परसेंट हो, कुछ परसेंटेज इसका होगा ए बी का कुछ होगा, लेकिन अगर इस कुछ परसेंट के से हम लोग कंपेयर करें फ्रिक्शन की वैल्यू, तो वो फ्रिक्शन वाली ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे सराउंडिंग जो सॉयल है वह लूज या सॉफ्ट है, तो और ये हमारा पाइल है, लेंथ ऑफ पाइल है, तो जैसे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स डाउनवर्ड डीपर, तो फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से जनरेट हो जाएगा। तो जो यह अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स जनरेट हो रहा है, यानी जो पेंट्रेशन को अगेंस्ट जो जनरेट होगा अपोज करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू एस एफ से, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शन पाइल के केस में, अब फ्रिक्शन पाइल चूँकि नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, तो वह ऐसे ऐसे ट्रीट करेगा, ऐसे वह एक्सपीरियंस करेगा जैसे वह मतलब टंगा हुआ है कहीं पे, वह हैंग कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग हैंगिंग पाइल बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग हैंगिंग पाइल बोलते हैं। तो पाइल, फ्रिक्शन पाइल या हैंगिंग पाइल केस में याद रखेंगे कि यहाँ पे इस केस में जो सोयल का नेचर है, सराउंडिंग सोयल का नेचर वो सॉफ्ट या लूज है, और नीचे से कोई हार्ड या स्टिफ सोयल नहीं है, केवल एक ही टाइप का सोयल है, तो इसलिए इसको हैंगिंग बोलते हैं। तो इसमें और दूसरी बात यह है कि जो भी एक्सटर्नल लोड सुपर स्ट्रक्चर से ट्रांसफ़र होके जो ट्रांसफ़र होगा या लग रहा है, उसको अपोज करने के लिए केवल एक एजेंट सामने आता है, वो है फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कारण ही रजिस्ट होगा, और इसमें एंड बियरिंग रजिस्टेंस के कारण नहीं होता है, केवल फ्रिक्शन के कारण। तो उसी जो जो फोर्स जनरेट होगा फ्रिक्शन के कारण, उसी को बोलते हैं हम लोग स्किन फ्रिक्शन। तो इस केस में, फ्रिक्शन पाइल केस में, जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन है वह होगा इक्वल टू किसके, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के। तो इस केस में कैपिटल क्यू यू पी इक्वल टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन इक्वल टू कैपिटल क्यू एस एफ, कैपिटल क्यू एस एफ लिखेंगे, कैपिटल क्यू एस एफ। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। अब फ्रिक्शन पाइल का जो लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ फ्रिक्शन पाइल 10 मीटर टू 20 मीटर लेते हैं, 10 मीटर से 20 मीटर के बीच में लेते हैं। थर्ड टाइप है बियरिंग, बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, दोनों को मिक्स कर देंगे। फर्स्ट हाफ का बियरिंग, बियरिंग। अब चूंकि पाइल फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन के केस में दोनों टर्म्स यूज होते हैं, एक तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, अगर नीचे से सपोर्ट हो रहा है, नीचे से रिएक्शन जनरेट हो रहा है। दूसरा स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें जनरेट हो रही हैं। लेकिन अगर हम सैलो फाउंडेशन में देखें तो केवल एंड बियरिंग रेजिस्टेंस ही होता है, क्योंकि सैलो फाउंडेशन के केस में जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू डीप और पाइल फाउंडेशन, तो स्किन फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाता है। तो हर एक केस में सैलो फाउंडेशन चाहे कोई भी केस हो, मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस है, और चूंकि हम लोग जब भी उसका बेस बनाते हैं सैलो फाउंडेशन में, तो स्प्रेड करते हुए बनाते हैं, तो बेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है, और जिससे बेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन। इसलिए सैलो फाउंडेशन में, सैलो फाउंडेशन में केवल एक ही एजेंट है जो एक्सटर्नल लोड को अपोज करता है, और वह है बेस रेजिस्टेंस। लेकिन डीप या पाइल फाउंडेशन के केस में दोनों होगा, अगर टाइप मेंशन नहीं किया है फ्रिक्शन है कि एंड बियरिंग है। तो अगर जनरल पाइल फाउंडेशन की हम लोग बात करें, तो पाइल फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन के केस में दोनों रेजिस्टेंस इफेक्टिव होता है एक्सटर्नल लोड को अपोज करने के लिए, कौन सा, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस, दूसरा स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो दोनों लोड के कारण एक्सटर्नल लोड अपोज होगा, एक्सटर्नल लोड का विरोध होता है।
टाइप आपका एंड बियरिंग या एंड बियरिंग फ्रिक्शन पाइल या बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, जिसका मतलब यह दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया, जनरल कंडीशन की बात कर रहा है। तो अगर सोयल का नेचर मीडियम टू डेंस है, लूज नहीं है, मीडियम से डेंस के बीच में है और नीचे हार्ड स्टेटा भी है आपको रोकने के लिए, यानी एंड बियरिंग का काम भी कर रहा है, फ्रिक्शन का भी काम कर रहा है, दोनों का काम इक्वली कर रहा है, दोनों का काम कर रहा है, किसी एक पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो उस पाइल को हम लोग बोलते हैं एंड बियरिंग फ्रिक्शन पाइल। इसका मतलब यह है इस केस में जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन है, जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन है वो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। तो बस इसमें यही याद रखना है बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल के केस में कि अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है, पाइल के किसी भी टाइप में मेंशन नहीं किया कि फ्रिक्शन पाइल है और एंड बियरिंग पाइल है, तो हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल ही है। तो बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल है यानी दोनों फिनोमिना हो रहा है एक साथ, तो उस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या पाइल फाउंडेशन, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या पाइल फाउंडेशन, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या पाइल फाउंडेशन कैपिटल QUP इक्वल टू लिखेंगे एंड बियरिंग रेजिस्टेंस कैपिटल QUB प्लस प्लस स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कैपिटल QSR। तो यह हम लोग इस एंड इस केस में कंसिडर करके चलेंगे। नेक्स्ट टाइप्स है पाइल का ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशंस। इंस्टॉलेशन के बेसिस पे यानी कैसे आप बनाए हैं, कैसे इंसर्ट किए, कैसे उसको पेंटेड करा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उसके बेसिस पे पाइल का टाइप, पाइल फाउंडेशन का टाइप। तो फर्स्ट है ड्रिवन पाइल और डिस्प्लेसमेंट पाइल। ड्रिवन पाइल और डिस्प्लेसमेंट पाइल, ड्रिवन पाइल का मतलब यह है कि हम लोग इस तरह के फाउंडेशन को किसी हैमर एक्शन या किसी लोडिंग के थ्रू इंसर्ट करेंगे सोयल के अंदर, पेंटेड कराएंगे सोयल के अंदर। तो उसके अगर ये एक्टिविटी के थ्रू कोई फाउंडेशन बन रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे ड्रिवन पाइल, ड्रिवन पाइल द ड्रिवन पाइल। तो ड्रिवन पाइल का मतलब ये है कि इसमें ड्रिवन पाइल का जिसमें किसी लोड या हैमर लोड के थ्रू इंसर्ट करके बनाते हैं, मोमेंट करा के हम लोग बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं। और दूसरा ये है कि वो जो पाइल फाउंडेशन होगा वो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर का होगा, इसलिए उसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे इजीली, प्रीकास्ट का बना होगा, वुड का कुछ भी का भी बना सकता है लेकिन प्रीकास्ट होना चाहिए। तो दिज पाइल आर डिवेन थ्रू हैमर एक्शन और डायनेमिक एक्शन, सच पाइल आर इसेंशियली प्रीकास्ट पाइल मेड ऑफ मेटल आर वुड। इन ड्रिवन पाइल एंड बियरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बोथ आर इफेक्टिवली डेवलप। तो ड्रिवन पाइल के केस में भी दोनों वैल्यू में से दोनों इफेक्टिव होता है, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस दोनों इफेक्टिव होता है। बोर्ड पाइल भी ड्रिवन पाइल की ही तरह है, लेकिन बोर्ड पाइल में जो हम लोग प्रीकास्ट पाइल बनाते हैं, चाहे वो मेटल का बना रहे हैं, चाहे हम लोग वुड का बना रहे हैं, या किसी मटेरियल का हम लोग बना रहे हैं, तो बोर्ड में क्या होता है प्रीकास्ट के साथ साथ ऑन साइट पे भी कास्टिंग करके जो पाइलिंग बनाते हैं, जो एक्शन के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं या इंसर्ट कराते हैं सोयल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड पाइल। तो बोर्ड पाइल में भी प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू ऑन साइट कंक्रीट और सैंड पाइल, तो कंक्रीट या सैंड का बना दे सकते हैं किसी का भी। दिज पाइल आर लेस इफेक्टिव दैन द ड्रिवन पाइल। अब चूंकि हम लोग वही बना रहे, पहले से बना हुआ नहीं है, और सैंड पाइल ही होता है कंक्रीट का होता है, जो कि उसमें ड्रिवन पाइल में हम लोग किसी डायनेमिक एक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसीलिए मेटल या वुड का बनाते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब जब हम लोग ड्रिवन किसी हैमर एक्शन या डायनेमिक एक्शन के थ्रू किसी सोयल किसी पाइल को प्रीकास्ट पाइल को इंसर्ट करते हैं सोयल के अंदर, पेंटेड कराएंगे, तो जो सराउंडिंग सोयल है, जो उसके बेस के नीचे जो सोयल आएगी, बेस के नीचे जो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो भी डिस्प्लेस करेगी। तो अगर यह एक्टिविटी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है पाइल बनाने के साथ साथ, पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस तरह के पाइल को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पाइल।
और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा हो रहा है किसी एक्शन, कोई एक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, किसी एक्शन की किसी लोडिंग के थ्रू हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं, अगर अगर वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है सोयल का, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है जो नीचे बेस पे नीचे सोयल है, तो उसको बोलेंगे नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। तो इन पाइल विच डिस्प्लेस्ड द सोयल, इन इफ पाइल विच डिस्प्लेस द सोयल एंड काज डिस्टर्बेंस वाइल ड्राइविंग आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट पाइल, वेयर एज इफ इट इज नॉट डिस्प्लेस्ड आर नॉट डज नॉट डिस्टर्ब द रिसेंट सोयल आर कॉल्ड नॉन डिस्प्लेसमेंट सोयल। तो नॉन डिस्प्लेसमेंट सोयल में जैसे सॉरी पाइल में आपका एच पाइल होता है, एग्जाम्पल के एच पाइल, तो एच पाइल में जो डिस्टर्बेंस ऑफ सोयल है बिलो द टिप और बेस ऑफ पाइल फाउंडेशन वो कम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मतलब कम होता है अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पाइल की तरह कंपेयर करेंगे तो उससे कम, बहुत ही कम होगा। तो नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल का जो जो पाइल है उसी को हम लोग बोलते हैं एच पाइल, तो इट इज़ आल्सो नोन एज एच पाइल।